Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Dr. Saeed Zishan Hadar. COVID-19, a lot. इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, बहुत कुछ कहा जाता रहेगा. कुछ पॉइंट्स मेरे भी हैं. Since it is unprecedented growing situation, एक ऐसी सूरत हाल जिसको ह्यूमन बींग ने इससे पहले कभी फेस नहीं किया, एक ऐसी सूरत हाल जो कि तेजी से बदलती हुई सूरत हाल है. तो इसके बारे में कोई भी फाइनल कंक्लूड कर लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरह डाटा हमारे पास आ रहा है, थोड़ी बहुत रिसर्च आ रही है, हम उसके लिहाज से कुछ इंटरप्रिटेशंस कर रहे हैं और कुछ स्पेकुलेशंस कर रहे हैं. और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, हमने सेफ प्रैक्टिसेस अडॉप्ट रखनी है और हमने अपनी इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए इकदाम करने हैं ताकि हम इस पेंडेमिक से बच सकें और अपने प्यारों को बचा सकें. और अल्लाह ताला की मदद के बगैर हम इसके ऊपर काबू नहीं पा सकते, तो डेफिनेटली हमने अल्लाह ताला की मदद हासिल करने की कोशिश करनी है. और हमें बिला जरूरत घर से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि अगर हम घर में बैठे हैं तो हम सेफ हैं, बाहर निकलेंगे तो वहां पे एक्सपोज्ड होने के चांसेस काफी ज्यादा इंक्रीज है. तो खवातीन हो या जेंट्स हो, बच्चे हो, बड़े हो या किसी भी उम्र के अफराद हो, हर बंदा इक्वली इंफेक्टेड हो सकता है और इसको ट्रांसमिट करने का बायस बन सकता है अगर वो एक्सपोज्ड हो जाए. तो हमें एहतियात बहरहाल लाजमी करनी है. हम एहतियात करेंगे तो अपने आप को, अपने प्यारों को, अपनी फैमिली को इससे बचा सकते हैं और हमें बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए. तमाम लोग, जिस तरह हमारे सामने सूरत हाल है, अमरीका और यूरोप इंतहाई एडवांस्ड नेशन है, वो लोग सबसे ज्यादा मुतासिर हैं सूरत हाल से. तो जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, अल्लाह ताला का बहुत फजल है, पाकिस्तान में केसेस की तादाद काफी कम है, अल्लाह ताला की बहुत ब्लेसिंग्स हैं और हमें एहतियात रखनी चाहिए. आपस में मेल जोल में तो बिला जरूरत घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए. और अगर हमने कोई चीजें खरीदनी है तो हमें प्लान करना चाहिए कि हम एक ही वक्त में, एक ही विजिट में सारी चीजें प्लान कर लें और सारा कुछ लेके घर में आ जाए. मेरी प्रीवियस वीडियो पार्ट वन में मैं पहले बता चुका हूं कि स्पेनिश फ्लू एक वर्ल्ड पेंडेमिक आया था 1918 में और उसमें तकरीबन 70 से 80 करोड़ अफराद टोटल मुतासर हुए थे और तकरीबन 5 से 6 करोड़ अफराद की डेथ हुई थी. 3 वेव्स में आया था. पहली वेव में निस्बतन कम नुकसान हुआ था, तकरीबन 7 से 8 करोड़ अफराद मुतासर हुए थे और 1 से 1.5 करोड़ अफराद की डेथ हुई थी. दूसरी वेव निस्बतन ज्यादा टाइम के लिए चली थी और उसमें ज्यादा अफराद मुतासर हुए थे, तकरीबन 40 से 50 करोड़ अफराद मुतासर हुए थे और 2.5 से 3 करोड़ अफराद की डेथ हुई थी. और तीसरी वेव में तकरीबन 8 से 10 करोड़ अफराद मुतासर हुए थे और 1 से 1.5 करोड़ अफराद की डेथ हुई थी. उस वक्त सूरत हाल बहुत गंभीर थी, वर्ल्ड वार वन अपने एंड की तरफ जा रही थी और उसकी वजह से पूरी दुनिया के हालात और सूरत हाल इतनी बेहतर नहीं थी और हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना बेहतर नहीं था, जिसकी वजह से वो ज्यादा अरसे के लिए प्रिवेल कर गई और उसकी वजह से नुकसान बहुत ज्यादा हो गया. हम इस करंट पेंडेमिक को उस प्रीवियस स्पेनिश फ्लू वाले पेंडेमिक से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन उसका पैटर्न, उसकी कंप्लीट नॉलेज हमारे पास है, इसका कंप्लीट नॉलेज अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें उसके पैटर्न को देखते हुए अपने करंट सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए अच्छे डिसीजंस लेने चाहिए ताकि हम इससे बच सकें. तो थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में ये हो रहा है कि जिस तरह जापान में, साउथ कोरिया में और चाइना में उन्होंने एक अच्छे मेजर्स लेके सोशल डिस्टेंसिंग और सेफ प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके इससे काफी हद तक काबू पा लिया था और वहां तकरीबन 10-12 दिन से लेकर 3 हफ्ते तक कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ था और फिर दोबारा से नए केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए. तो प्रतिहाल इतनी बेहतर नहीं है, इसका स्प्रेड पैटर्न बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इसका जो करंट पेंडेमिक है उसका डेथ पैटर्न इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है. अब जिस तरह रमजान करीम इख्तिताम पजीर होने वाला है और ईद आने वाली है, अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे इंशाअल्लाह ताला. और ईद पे जो नमाज पढ़ने के लिए हम लोग मसाजिद जाएंगे तो उसमें हमने हुकूमत का जो 20 निकाती एजेंडा है
जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनको कम्प्लीटली फॉलो करने की कोशिश करनी है और उनको कम्प्लीटली अडॉप्ट करना है ताकि हम इसके फैलाव का सबब ना बन सके। और वहां पे हमने ये जरूर कोशिश करनी है कि हम लाजमी तौर पे हाथ ना मिलाएं, एक दूसरे से गले ना मिलें और डेफिनेटली सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें और सेफ प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें, अपने हाथों को धोएं या फिर जो भी हैंड सैनिटाइजर्स हैं उसका इस्तेमाल करें। और मस्जिद की इंतजामिया को यह चाहिए कि डिसइंफेक्टेंट्स का बहुत प्रॉपरली इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह ताला ताकि हम इससे महफूज रह सकें और ईद के बाद भी हम इसके एक बहुत ज्यादा तेजी से फैलाव का सबब ना बन सकें। इसी तरह जो शॉपिंग मॉल्स हैं, जो मार्केट्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसमें जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स या स्टैंडर्ड प्रिकॉशनरी मेजर्स का कहा जा रहा है उसको हमने लाजमी तौर पर फॉलो करना है ताकि हम इससे बच सकें और इसको घर में लाने का सबब ना बने और हम अपने आप को और अपने प्यारों को इससे बचा सकें। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बेशक मार्केट्स खुल जाएं और सारा सिस्टम ओपनिंग की तरफ चला जाए, हमें बिला जरूरत घर से बाहर नहीं निकलना, कुछ अरसे के लिए हमें मोहतात रहना है क्योंकि ये हमें मुतासर कर सकते हैं, हमें इन्फेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह हुकूमत इस वक्त ट्रांसपोर्ट, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स और बाकी दीगर बहुत सारे इदारे खोलने की तरफ जा रही है, तो हमें इसमें सारी सिचुएशन में रहते हुए एक जिम्मेदार शहरी का मुजाहरा करना है। हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है, हमें एकदम रश क्रिएट नहीं करना, हमें जरूरत हो तो हमें घर से बाहर निकलना चाहिए, बिला जरूरत हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और जो चीज हमें चाहिए उसकी हम लिस्ट बनाएं और वो लिस्ट बना के हमें एक ही चक्कर में, कोशिश ये करनी चाहिए कि हम एक ही चक्कर में बाहर निकले तो सारी चीजें खरीद के घर वापस आ जाए। बार बार बाहर जाएंगे तो बार बार एक्सपोज होने का खतरा है, हमें ये सारी चीजें ताक रहते हुए कुछ अरसे के लिए अडॉप्ट करनी है, कुछ अरसे के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स मद्देनजर रखनी है ताकि हम अपने आप को अपने प्यारों को इससे बचा सकें। आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीजें ओपनिंग की तरफ जा रही हैं, जिस तरह ट्रांसपोर्ट, रेलवे, तो हमें हर एक के लिए प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स डेवलप करने पड़ेंगे, स्टैंडर्ड प्रिकॉशनरी मेजर्स डेवलप करनी पड़ेंगी ताकि हम इस पेंडेमिक से बच सकें, इस नोवेल कोरोना वायरस से बच सकें और अपने प्यारों को बचा सकें। उस सेफ्टी मेजर्स को लिए बगैर हम लोगों को ऐसी जगह का विजिट नहीं करना चाहिए और हमें बिला जरूरत भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जिस तरह अभी ईद आने वाली है तो हमें लाजमी तौर पे वो जो हुकूमत का 20 निकाती एजेंडा है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, SOPs हैं, उनको कंप्लीटली फॉलो करना है। हमने ईद के मौके पे एक दूसरे के क्लोज नहीं होना, हमने हाथ नहीं मिलाना, हमने गले नहीं मिलने, हमने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, हमने फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना है, हमने सोशल डिस्टेंसिंग और सेफ प्रैक्टिसेस, वो सारी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स प्रीवियसली डिस्कस हो चुकी है उनको कंप्लीटली फॉलो करना है ताकि हम लोग ईद के खुशी के मौके पर और ईद के बाद इसके फैलाव का सबब ना बने। हमें एहतियात लाजमी करनी है, ये सिर्फ कॉन्टेक्ट के थ्रू फैलता है, इन्फेक्टेड पर्सन से कॉन्टेक्ट के थ्रू फैलता है, तो हम जितनी ज्यादा एहतियात करेंगे, जितना ज्यादा हम इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहेंगे उतना ज्यादा हम लोग अपने आप को, अपनी फैमिली को सेफ रखने में कामयाब हो जाएंगे। तो इस सिनेरियो में हमें एहतियात लाजमी करनी है ताकि हम इसके फैलाव का सबब ना बन सके। अल्लाह ताला की मदद के बगैर हम इस वबाई मर्ज पे काबू नहीं पा सकते। अल्लाह ताला से दुआ करनी है, अल्लाह ताला हमें, हमारे मुल्क को, इस पूरी दुनिया को इस वबाई मर्ज से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।